अगर आप बिना बेहोश किए कराते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये लगते हैं, और अगर बेहोश होके आप इस टेस्ट को कराते हैं तो आपके 5,000 से 6,000 रुपीज तक लग सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर निशी फ्रॉम प्राइम IVF सेंटर। आई एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है HSG, हिस्टीरोसेल्पिंगोग्राफी। ये कब कराते हैं, क्यों कराते हैं, इसका क्या मतलब है और ये क्यों कराना ज़रूरी है, इसमें पेन होता है नहीं होता। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं, मैडम ये तो बहुत पेनफुल है, इसकी कॉस्ट क्या है और ये बहुत ज़रूरी है क्या कराना। तो आज मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो के जरिए जानकारी दूंगी। सबसे पहले कि ये कब कराते हैं, ये पीरियड्स जब भी आता है, मेंसेज आते हैं, उसके 5वें, 6ठे, 7वें दिन कराते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ट्यूब की पेटेंसी का पता चलता है। आपको पता होगा स्पर्म जो है वो वजाइना से सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में और यूट्रस से ट्यूब में आता है, ओवुलेशन होता है। एग जो होता है वो ट्यूब के फिम्ब्रिया पकड़ते हैं और ट्यूब में एग आता है। स्पर्म और एग दोनों का मिलना ट्यूब में होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन जब ट्यूब में हो रहा है तो ट्यूब का पेटेंट या खुला होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें HSG के द्वारा ही पता चलता है। सबसे पहले ये इसमें जब पीरियड्स का 5वां या 6ठा दिन होता है तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि वो HSG कराए। तो उसमें नीचे एक कैनूला की हेल्प से डाई डाली जाती है, उस डाई को ट्रैक किया जाता है। वो डाई फर्स्ट यूट्रस में जाती है, यूट्रस से वो ट्यूब में जाती है और ट्यूब से डाई बाहर निकलकर POD यानी कि पेल्विस में आती है। तो हम बोलते हैं कि ट्यूब खुली है। कई बार डाई जो होती है वो यूट्रस में ही जा पाती है, ट्यूब में नहीं आ पाती, तो इसको हम कहते हैं कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, तो आप IVF या अदर मेथड पे जाएं। अब क्या होता है कि जब हम कैनूला डालते हैं, कैनूला से डाई डालते हैं, तो ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है। इसमें जो लेडी होती है वो अपने आप को सिकोड़ लेती है, डर जाती है, पेन होता है उसको, तो यूट्रस से डाई कई बार जा भी नहीं पाती, तो ट्यूब बंद या तो नेक्स्ट बार करते हैं तो ट्यूब खुली मिलती है, या कई बार लेप्रोस्कोपी करते हैं उनका देखने के लिए, ट्यूब खुली मिलती है। पर HSG के दौरान वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्पाज्म कर लेती है कि हमें ट्यूब बंद मिलती है। इसके लिए हम उसे बता सकते हैं कि उसका पहले थोड़ा डर दूर करें कि HSG इतना पेनफुल प्रोसेस नहीं है। इसके बाद भी वो डर रही है, उसको लग रहा है कि नहीं बहुत दर्द होगा, तो वो बेहोश हो गए, मतलब पूरा जनरल एनेस्थीसिया में भी अंडर GA वो ये टेस्ट करवा सकती है। ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमें ट्यूब का पता चल जाता है। कई बार ट्यूब में डाई तो निकल जाती है पर ट्यूब जो होती है वो बीडेड अपीयरेंस शो करती है, जो कि TB का, जेनाइटल TB का एक लक्षण है। इसके अलावा ट्यूब में कई बार फूली हुई शो करती हैं, सेल्पिंजाइटिस, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या ट्यूब में पानी भरा हो सकता है जिसको हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, तब भी डाई बाहर नहीं आ पाती। HSG से हमें ट्यूब के पेटेंसी के बारे में तो पता चलता ही है, साथ में यूट्रस के बारे में भी जानकारी मिलती है। यूट्रस में डाई नहीं पहुंची, यूट्रस में कोई अंदर वो है, फाइब्रॉइड है या कोई ओपेसिटी दिख रही है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यूट्रस में भी बाईआर्कुएट है, कॉर्नुएट है, जो भी है उसका हमें HSG के द्वारा पता चल जा सकता है। अब आती है कॉस्ट की। ये अगर आप बिना बेहोश के कराते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये लगते हैं, और अगर बेहोश होके आप इस टेस्ट को कराते हैं तो आपके 5,000 से 6,000 रुपीज तक लग सकते हैं। ये फीमेल के लिए उतना ही ज़रूरी टेस्ट है केवल पेटेंसी देखने के लिए, इसके बाद ही हम आगे का इलाज डिसाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।